अपने इस अलवर जिले के समेत इन 12 जिलों में लगभग 13 जिलों में जो गहलोत ने भ्रांति फैलाई है उसका स्पष्टीकरण होना बहुत आवश्यक है। किसानों से क्योंकि ये बहुत हूं मंच पर माला रखी है, पूरा क्षेत्र सुन ले, क्षेत्र से भी जहां भी आवाज जाए वहां सुन ले, राजस्थान के किसी भी कोने में किसान बैठा सुन ले। अगर मेरे किसानों अन्नदाता का इस गहलोत ने जो वादा किया था उस वादे के मुताबिक अगर उसका कर्जा माफ हुआ है तो ये भारतीय जनता पार्टी परिवार उसका सम्मान करना चाहती है। वो योजना कारगर नहीं हो सकती थी तो नदी से नदी जोड़ो की योजना भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने बनाई बंधुओं, और जो गहलोत का जो ढिंढोरा पीटते घूमते नहीं ERCP के नाम पर, वो ERCP की योजना अब नहीं रही है। मैं आपको वास्तविकता से कहना चाहता हूँ, आप इनका रिपोर्ट निकाल कर चेक कर लेना। उसमें बाल्यकाल में जब मैं हनुमानगढ़ रहता था तो आप दोनों का गृह क्षेत्र उस क्षेत्र में है, वो लगातार उस समय पर भी मैं आपसे मिलता जुलता रहता था और आपके मार्गदर्शन में ही मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन में राजस्थान भी आने वाले समय पर आगे पहुंचेगा और निश्चित रूप से हमारे राजस्थान के अंदर कमल खिलेगा। अब बोलने की तो मेरे को आप किसी धन्यवाद करने का मुझे मौका दिया है रामेश जी और हमारे पूरे जिले की टीम यहाँ पर बैठी है, सबसे परिचित है आप। मैं पूरे अपने क्षेत्र से पधारे सभी माताएं बहनें बुजुर्ग युवा साथी आप सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद कहता हूँ। लेकिन एक बात मैं आप सबसे जरूर कहना चाहता हूँ क्योंकि वो हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता है और इस वर्तमान गहलोत सरकार ने जो भ्रांति अपने इस अलवर जिले के समेत इन 12 जिलों में लगभग 13 जिलों में जो गहलोत ने भ्रांति फैलाई है उसका स्पष्टीकरण होना बहुत आवश्यक है क्योंकि ये बहुत बड़ा झूठा है। क्योंकि इतना बड़ा झूठा है जो किसानों से झूठ बोलकर सत्ता पर बैठा हो, जो युवाओं से झूठ बोलकर सत्ता पर बैठा हो और आज तक भी किसानों का कर्जा माफ करने की बात दूर दूर तक नहीं की और युवाओं को रोजगार देना या रोजगार भत्ता देने की बात आज तक नहीं की। मैं किसानों से पूछना चाहता हूं, मंच पर माला रखी है, पूरा क्षेत्र सुन ले, क्षेत्र से भी जहां भी आवाज जाए वहां सुन ले, राजस्थान के किसी भी कोने में किसान बैठा सुन ले। अगर मेरे किसान अन्नदाता का इस गहलोत ने जो वादा किया था उस वादे के मुताबिक अगर उसका कर्जा माफ हुआ है तो ये भारतीय जनता पार्टी परिवार उसका सम्मान करना चाहती है कि कम से कम आपका तो कर्जा माफ हुआ। क्या हुआ किसी का कर्जा माफ? कोई भी आ सकता है। उसके बाद में इस झूठी सरकार ने जो भ्रांति फैलाई ERCP के नाम पर, ERCP के नाम पर आप सबके बीच में भ्रांति फैलाने का काम किया, योजना को लेकर कभी केंद्र में नहीं गए। योजना का जो मूल स्वरूप होना चाहिए हमारे देश के कानून के मुताबिक योजना बननी चाहिए, उस प्रकार से योजना नहीं बनाई। और लगातार जब हमारे केंद्रीय मंत्री जी जयपुर में मीटिंग करते थे तो वहां पर भी कभी भी इनके मंत्री और अधिकारी मीटिंग में नहीं आए। ये वास्तविकता आप रिकॉर्ड निकलवा कर चेक कर सकते हो। केंद्र ने जब ERCP की वो योजना कारगर नहीं हो सकती थी तो नदी से नदी जोड़ो की योजना भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने बनाई बंधुओं, और जो गहलोत का जो ढिंढोरा पीटते घूमते नहीं ERCP के नाम पर, वो ERCP की योजना अब नहीं रही है। मैं आपको वास्तविकता से कहना चाहता हूँ, आप इनका रिकॉर्ड निकाल कर चेक कर लेना। उसमें अलवर जिले का कोई नाम नहीं है, केवल जयपुर टोंक और सवाई माधोपुर को पानी मिलेगा, अलवर जिले का दूर दूर तक कोई नाम नहीं है। पूछ सकते हो इनसे आप ये बातें, अगर हमारी बात में सत्यता नहीं है तो खुले मंच पर आकर आपके बीच में ये कहकर दिखाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने इस अलवर जिले के लिए उन सब 13 जिलों के लिए नदी से नदी जोड़ो की योजना बनाई है और इस योजना की लागत का 90% हिस्सा हमारी केंद्र सरकार देगी। इनको प्रपोजल बनाने के लिए अभी से 4-6 महीने पहले बोल चुके हैं लेकिन आज तक गहलोत ने उसका प्रपोजल बना के नहीं भेजा है। ये इस प्रकार का झूठा मदारी है, ये सब समझना होगा आपको। अपने अलवर जिले को पानी से
निजात दिलाने के लिए, पानी सबको घर घर पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जल जीवन लेकर आए, लेकिन जल जीवन में जो भ्रष्टाचार आपने देखा है, ये धर्म के काम में भी जो इन लोगों ने पैसा कमाना, लूटना, खोसना, ये जो आपने देखा है, ये सब राजस्थान की जनता क्या बर्दाश्त करेगी? आपके घर में पानी पहुंचाने वाले नरेंद्र मोदी जी की इस योजना को भी इन लोगों ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया है। और मैं तो धन्यवाद अभिनंदन करता चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का कि हमारे अलवर जिले के लिए इस गांव में जो जल जीवन की योजना हमारे गांव के अंदर आई है, उसके अलावा भी 5,783 करोड़ रुपया दिया है जो चंबल से पानी लेकर आपको पिलाने का माननीय प्रधानमंत्री जी काम करेंगे। इसलिए बंधु, ज्यादा नहीं कहते, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारी भावना आपकी सेवा करने की भावना है। आने वाले चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। आगे पीछे वादे हुए होंगे, लेकिन जो मोदी जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये हमारा वादा है कि अलवर जिले के एक एक घर तक पानी पहुंचाने की हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, और आप सबको भरपूर पानी पिलाकर अपने अलवर को भी विकास की यात्रा में आगे बढ़ाने का हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। ये आशीर्वाद इस यात्रा के माध्यम से जो एक परिवर्तन संकल्प यात्रा है, ये संकल्प हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का है कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ में, परम धर्म के साथ में राजस्थान जनता की सेवा कर अपने इस प्रदेश को भी आगे बढ़ाने का हम सब लोग मिलकर कार्य करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामना। बोलिए भारत माता की।